वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी क्वेश्चन आंसर सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम विजबल द ऑटर का एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा की तरह इट्स डिफरेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इमेजिन योरसेल्फ टू बी द नरेटर ऑफ विजबल द ऑटर। आपको अपने आप को विजबल द ऑटर का नरेटर जो है गैविन मैक्सवेल समझना है। A friend of yours is confused about whether to adopt an otter as a pet or not. आपका एक फ्रेंड इस दुविधा में है कि वो ऑटर को एक पेट के तौर पर अडॉप्ट करे या ना करे। And I asked for your advice. और क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक पेट है जो कि ऑटर है, तो वो आपकी ओपिनियन, आपकी सलाह चाहता है। Based on the experiences described in the chapter, write a letter to your friend giving your opinion on the matter. तो अपना ओपिनियन इस विषय पर देते हुए आपको लेटर लिखना है। You may use the prompt given below. नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है, उसको आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपका फ्रेंड ऑलरेडी आपको लेटर लिख के पूछ चुका है कि भैया मुझे ये ऑटर को पालतू जानवर बनाना है, तो ये मेरे डाउट्स हैं और आप मुझे बताओ कि मुझे ऑटर को पेट के तौर पे अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमें सैंपल इन्होंने इस तरीके से दिया है, फॉर्मेट का सैंपल कैमिस फेरना में ही ये रहता है और ये गेविन से पूछ रहा है कि मेजर तुम अच्छे से रह रहे होगे। आई एम राइटिंग फॉर अ स्पेशल रीजन दैट विल श्योरली इंटरेस्ट यू। दिस इज बिकॉज इट कंसर्न्स द लव ऑफ लाइफ ऑटर्स, कि ऑटर्स के बारे में ये जानकारी चाहता है और फ्रेंड का नाम है केविन। ठीक है, तो अब जब हम जवाब देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। लेसन में हमें बताया गया है कि गेविन मैक्सवेल जो है वो कैमिस फेरना में वेस्ट हाईलैंड स्कॉटलैंड में रहते हैं, तो वो अपने दोस्त केविन को लेटर लिखेंगे। तो हमने ऊपर का एड्रेस बदल दिया है यहाँ पर और डियर केविन करके अब हम जो हमारा एक्सपीरियंस है ऑटर्स के साथ, यानी कि मैक्सवेल का, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं ना कि हम मैक्सवेल है, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें अपने फ्रेंड को बताना है कि ऑटर्स की क्या क्या खूबियां हैं या उनके साथ क्या परेशानियां हो सकती हैं, उन्हें खाने में क्या पसंद है, खेलने में क्या पसंद है, इन सब बातों को हम इस लेटर में लिखेंगे। बेसिकली इस क्वेश्चन के जरिए आपकी नॉलेज टेस्ट की जा रही है कि ऑटर्स के बारे में पूरे लेसन में जो बताया गया है वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। पहले हमने एड्रेस लिखा डियर केविन करके हम खाली स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये एक इनफॉर्मल लेटर है, फ्रेंडली लेटर है। अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो वहां पर हमें शुरू में कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती। आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छे से रह रहे होगे। आफ्टर रीडिंग योर लेटर आई वॉज ग्लैड टू नो दैट यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग एन ऑटर एज अ पेट एंड आस्क फॉर माई ओपिनियन। तुम्हारा पत्र पढ़ने के बाद मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि तुम एक ऑटर को पेट रखना चाहते हो और मेरी सलाह चाहते हो उस विषय पर। वेल लेट मी शेयर माई थॉट्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसिस विद मिजबल। तो ठीक है, मिजबल के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैं अपनी सोच तुम्हें बताता हूँ। Having an otter body like Mijbal is not all smooth sailing in the initial stage. Mijbal जैसे पेट को रखना शुरुआती स्टेज में बिल्कुल भी आसान नहीं है। But gradually one gets aware of otter's needs and habits. लेकिन धीरे धीरे आपको otters की जरूरतों और उनकी आदतों के बारे में पता चल जाता है। In general, they are harmless, intelligent, friendly and fun loving. ये सारी बातें हमें लेसन में ही बताई गई हैं कि जनरली वो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हार्मलेस हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, फ्रेंडली हैं और फन लविंग हैं। दे आर पैशनेट अबाउट वाटर, ये बात जरूर लिखनी है क्योंकि ये लेसन में बताई गई है कि वो पानी को बिल्कुल फैला देता है। एंड स्प्लटर इन वाटर लाइक किड्स, पानी के अंदर वो बिल्कुल बच्चों की तरह खेलता है। बट डिमांड पर्सनल अटेंशन, लेकिन उसे पर्सनल अटेंशन चाहिए। ये बात भी हमें लेसन में बताई गई थी कि वो बार बार इस बात को चेक करता रहता है कि जो ऑथर है वो उसके आसपास ही है ना, वो जब सोता है तो बिल्कुल उनसे सट कर सोता है बच्चों की तरह। मिच कैन प्ले विद पिंग पोंग बॉल्स एंड मार्बल्स फॉर आवर्स, और किस तरीके से वो जमीन पर बैक साइड नीचे करके उल्टा लेट जाता है और अपने पैरों को ऊपर करके और बॉल से जगलिंग करता रहता है, तो वो बात भी हमने यहाँ पर एड कर दी। ऑथर्स लव टू ईट फिश बिसाइड अदर थिंग्स, बाकी चीजों के साथ साथ उसे फिश खाना बहुत पसंद है। दे कैन बी ट्रेन्ड लाइक अदर पेट्स, और जैसे बाकी जानवरों को ट्रेन किया जा सकता है इसी तरीके से ऑटर्स को भी ट्रेन किया जा सकता है।
आई एंजॉय हिज कंपनी अलॉट, मुझे उसकी कंपनी में बहुत अच्छा लगता है. आई होप दिस हेल्प्स यू डिसाइड. अब ये सब जो मैंने इतनी बातें बताई हैं, इसकी एंडिंग हम कैसे करेंगे, यहां पर ये बताया जा रहा है कि भाई मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ मैंने बताया है इससे तुम्हें डिसाइड करने में मदद मिलेगी. योर्स अफेक्शनेटली, गैविन मैक्सवेल. तो ये लेसन हमारा यहां पर खत्म हो गया. इससे आपको ये भी पता लगता है कि इनफॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखे जाते हैं, और इन जनरल आपको इसमें ऑर्डर्स के बारे में सारी जानकारी भी मिल रही है. तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.